पूजा संपन्न होने से पहले नहीं उठ सकते बेटा, पहले पूजा संपन्न हो जाए। जब तुम्हें पता था कि घर में हवन है तो फिर तुम इतनी देर से क्यों आई बेटा? मम्मी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? समीर खुद तो यहाँ जानकी के साथ हवन पर बैठा है और मुझे उसने कहा कि वो मुझे लेने आ रहा है, मैं उसका वेट करूँ? समीर तो खुद यहाँ तुम्हारे इंतजार कर रहा था। एक मिनट मम्मी जी, मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। समीर यहाँ हवन पर बैठा है ये सच है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो भी झूठ नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जानकी को हटा के तुम्हें वहाँ पर बिठाती हूँ। चलो। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समीर खुद मुझे जानकी की जगह पर बिठाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टाइम पे नहीं आ पाई। अब आपको समझ में आया ये चाल किसकी थी? इन्होंने मुझे यहाँ आने से रोकने की कोशिश की। बेचारे समीर, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके मोबाइल से सिम कार्ड चेंज करके दूसरा सिम कार्ड लगा दिया है ताकि ये लोग मुझे गुमराह कर सके। पूजा संपन्न हो गई, अब आप दोनों उठ सकते हैं। शर्म नहीं है ऐसी हरकत करते हुए? एक बात सब लोग कान खोल के सुन लें, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसमें कोई दखल अंदाजी करे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए भलाई आप लोगों की इसी में है कि आप लोग अपने काम से काम रखें। मेरे अपने होकर ये जो परायों वाली हरकत की है तुमने,
इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो निशा। चले पता नहीं ये वृंदा क्या सिखाकर गई है इन तीनों को, जो उसकी गैर मौजूदगी में भी तीनों बहुरानियों ने मिलकर हमारी बाजी को पलट दिया। और तुम लोगों के बेटे वो भी उन लोगों से जाकर मिल गए, उन्हीं लोगों का साथ दिया उन लोगों ने। मैं तो निशा को किसी तरह से अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोगों का तो अपनी बहुओं पर कोई वट ही नहीं रहा, और जो अपनी बहुओं को अपने काबू में नहीं रख सकती वो भला मेरा क्या साथ देंगी? ओके, इस हादसे से एक बात तो पक्की है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सिर्फ जुबान चलाना जानते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बार निशा आ जाए इस घर में मेरी बहू बन, उसके बाद हम सास बहू मिलकर इस घर पर राज करेंगे, राज। देख लेना, राज तो इस घर पर सिर्फ कोकिला और उसके डैडी ही करेंगे। का? लेकिन भाभी, इंदिरा भाभी आपको इतना कुछ कहकर चली गई और आपने सब कुछ सुन लिया? बेशक इंदिरा भाभी ने बहुत जहर उगला भावना, लेकिन इतना सोचो कि वो खुद कितना तड़प रही थी। वैसे भी उन्होंने जो भी कुछ कहा हमारी बहुओं के बारे में बिल्कुल सही कहा, पानी सर से ऊपर जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, कोकिला मर जाएगी लेकिन अपनी हार कभी नहीं स्वीकार करेगी। अब इन बहुरानियों को अपनी औकात दिखाने का वक्त आ गया। ये कैसी परीक्षा की घड़ी है माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समीर के साथ इतनी दूरियों के बावजूद आज आपने अपने हवन में मुझे शामिल किया, निशा को नहीं। ये कैसा संकेत है? इसे मैं क्या समझूं माँ? लेकिन एक बात की बहुत खुशी है माँ, कि आपको अपनी इस बेटी का ध्यान रहा। मम्मी जी के लाख चाहने के बावजूद आपने मुझे ही वो स्थान दिया जो समीर की पत्नी होने के नाते मुझे मिलना चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है माँ, आपका यह आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। बहुत खुश हूं, हमने कैसे भी करके निशा को हवन में नहीं बैठने दिया। तो क्या तुम लोगों ने? हाँ जानकी, बिंदिया को इंदिरा काकी के प्लान के बारे में पता चल गया था, और हमारे होते हुए तुम्हारा कोई अपमान करे ये हम कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए हम चारों ने मिलके ये प्लान बनाया और उनकी चाल उलट दी। लेकिन तो सब कुछ मैनेज हो गया है, आगे कैसे मैनेज करेंगे? बात जितनी बिगड़ सकती थी उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब तो जब जी काका और दादी माँ आएंगे तभी फैसला होगा। पर एक बात तो तय है जानकी, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम दोनों भी इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं जानकी, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे।
निशा के हर वार का जवाब मुंह तोड़ देंगे। माता रानी पर भरोसा रखो, वो कभी गलत का साथ नहीं देंगी। और आज उन्होंने हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया है। हे माँ, हम तीनों को इतनी शक्ति देना कि सच की रक्षा के लिए हम इस मुसीबत का सामना कर पाए। मंजीत, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि मासी अचानक राजकोट क्यों गई। हो सकता है प्रताप जी का कोई काम हो। मंजीत, इंदिरा भाभी और जानकी के मामले में वकालत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उनके घर के मामले में टांग अड़ाने वाली तुम होती कौन हो? नहीं मम्मी जी, ये उनके घर का मामला नहीं है, ये हमारे घर का मामला है कि नहीं? डोंट फील बैड कोकी काकी, लेकिन आप तीनों तो हमेशा एक साथ रहती है ना, फिर अचानक ये उनके घर का मामला कैसे हो गया? एक साथ रहते हुए अपना पराया करना आपको शोभा नहीं देता। भावना, समझा दे अपनी बहू को, मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, इससे नहीं। बिंदिया, मम्मी जी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, आपको दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे मम्मी जी, आप वही काम क्यों करती हैं जो आपको काकी सिखाती हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ कोकी भाभी की बात। भावना काकी, निशा हमारे घर में आके जानकी और समीर की जिंदगी में जो तनाव पैदा कर रही है, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये लड़की, एक बार बताई तो तेरी समझ में नहीं आती? ये उनके परिवार का मामला है, और आज के बाद अगर तुमने उनका साथ दिया ना तो। एक बात समझ लीजिए मम्मी जी, ये सिर्फ जानकी का मामला नहीं है, ये हम सबका मामला है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जानकी का साथ नहीं छोड़ूंगी। आप तीनों को जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन हम तीन बहुरानियां हमेशा साथ में थी और रहेंगी। हाँ, कुछ गलत फहमियों की वजह से हम दूर जरूर चले गए थे, लेकिन अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आखिर उस औरत ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो रजिस्ट्रेशन तो गलत निकला, पर वो औरत मेरे बच्चों के बारे में जरूर कुछ जानती है। वो जानकारी तो मैं हासिल करके रहूंगी। ये राजकोट से वापस कब आई? उसने इंक्वायरी की होगी या नहीं? बात कैसे करूं? कहा हेलो। हेलो, कौन? मिथिबा, वृंदा बोल रही हूँ, जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तूने फोन उठाया, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। कहिए ना। सुन, गोपू और सुनंदा वहाँ आने के लिए निकलने वाले हैं आज ही। आप और माया जी क्यों नहीं निकले? नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो अब उतनी ठीक नहीं है, और माया का यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, वो छोड़कर वहाँ आएगी तो उसका काम यहाँ कौन संभालेगा? ये सब छोड़, काम की बात सुन। कल उन दोनों की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैंने उन दोनों को जबरदस्ती धकेला है यहाँ से, और मैं चाहती हूँ तुम लोग वहाँ उनके सरप्राइज पार्टी का इंतजाम करो। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। रखती हूँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण बेटा।
ओ मैडम, पूजा पाठ बहुत हो गई, अब निकलो इस घर से बाहर। सुना नहीं तुमने? इस घर का एक नियम है मम्मी जी, जब कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। कल हवन के टाइम पर तुम लोगों ने मिलकर जो नाटक किया था ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सब करने से तुम निशा को इस घर की बहू बनने से रोक पाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने फैसला कर लिया है, अब बस बापूजी और सासू माँ के आने की देर है, उनके आने के बाद इस बात का फैसला हो जाएगा। और इस बार ना मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हारी मासी आएगी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि इस बार जो कुछ भी करेगा वो मेरा बेटा करेगा। मैं तो सिर्फ तमाशा देखूंगी। मैंने आपको हमेशा से माँ का दर्जा दिया है मम्मी जी, लेकिन अफसोस आप कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं मान पाए। बेटी मानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें नहीं, निशा को। भगवत गीता पढ़ रही हो ना तुम, उसमें तुमने चक्रव्यूह के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक ऐसा ही चक्रव्यूह मैंने कल रचाया था तुम्हारी जगह पर निशा को हवन पे बिठाने के लिए। जानती हूँ मम्मी जी, अभी अभी मैं वही पाठ तो पढ़ रही थी और इसीलिए आपके इस चक्रव्यूह को धीरे धीरे समझ पा रही हूँ। जिस तरह कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर रखने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह आपने भी वृंदा मासी को मुझसे दूर रखने की कोशिश की है। उन्हें राजकोट भेज, लेकिन मुझे फंसाने की आपकी ये चाल कामयाब नहीं हो सकी मम्मी जी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी दो बहनें मंजीत और बिंदी, उन्होंने आकर इस अभिमन्यु को बचा लिया और ये युद्ध भी जीत लिया। आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी मम्मी जी, युद्ध चाहे कोई भी कैसा भी, जीत सिर्फ उसी की होती है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। साथ ही बनकर हमें रास्ता दिखा गई है, सच्चाई का रास्ता, एकता का रास्ता। हाँ मम्मी जी, हम तीनों बहुरानियों को एक कर गई हैं मेरी वृंदा मासी, और इसीलिए निशा के हक में आपका किया गया कोई भी गलत फैसला इस घर में तूफान ला सकता है। लेकिन इस बार अगर ये फैसला मेरा नहीं, मेरे बेटे का हो तो पत्नी के लिए उसके पति का हो तो कौन सी एकता कितने काम आएगी, तुम भी समझ सकती हो। मुझे नियम सिखा रही थी ना, तो इस घर का एक और नियम है, पति पत्नी के बीच में कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं।